एक नौजवान बैट्समैन को इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करते देखना शायकीन के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। हर साल की तरह 2020 में भी कुछ यंग टैलेंटेड बैट्समैन उभर के सामने आए हैं, जिन्होंने शायकीन को अपनी बैटिंग से काफी हैरान किया और ये खिलाड़ी आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कामयाब और सबको हैरान करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जो फ्यूचर के स्टार बैट्समैन बनने वाले हैं। नंबर 5, पृथ्वी शॉ। दोस्तों, अगर आप सचिन के फैन हैं और दोबारा उनको क्रिकेट में खेलते देखना चाहते हैं तो इस यंग टैलेंटेड बैट्समैन पृथ्वी शॉ को देखें। ये नौजवान खिलाड़ी सचिन की तरह बनना चाहता है और बिल्कुल उसी की तरह क्रिकेट खेलता है और इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में सचिन के बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। इस नौजवान खिलाड़ी में सेवा की तरह अटैकिंग शॉट्स खेलने की भी खूबी है और इसने अपनी जबरदस्त बैटिंग से इंडिया को इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी जितवाया था। पृथ्वी शॉ फ्रंट फुट और बैक फुट शॉट बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेलते हैं और कट शॉट्स बिल्कुल सचिन की तरह लगाते हैं। इनको IPL 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने पिक किया था और अपने डेब्यू मैच में ही इन्होंने 10 गेंदों पर 22 रन स्कोर किए थे और फिर इसने 2018 में अपने टेस्ट डेब्यू में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरी भी स्कोर की थी, जिसके बाद इंडिया में इनका बहुत चर्चा होने लगा और सचिन तेंदुलकर ने इसके लिए एक खास ट्वीट भी किया था। लेकिन पृथ्वी शॉ को अब भी बहुत कुछ सीखना है क्योंकि इंडिया के दौरे न्यूजीलैंड पर जब पृथ्वी शॉ को वनडे सीरीज में खेलने का मौका मिला तो वहां पर उसने कुछ खास कारनामा सरंजाम नहीं दिया। लेकिन इस खिलाड़ी में बहुत सारा टैलेंट मौजूद है और ये इंडिया का फ्यूचर स्टार है। नंबर 4, रविंदु रासंथा। वैसे तो श्रीलंकन टीम ने साउथ अफ्रीका में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, लेकिन इस नौजवान बल्लेबाज रविंदु रासंथा ने शायकीन को बहुत हैरान किया था। रविंदु राइट हैंडेड बैट्समैन है और जब आप इनको खेलता हुआ देखेंगे तो आपको श्रीलंका के लेजेंडरी बैट्समैन महिला जयवर्धने की याद आएगी। रविंदु जयवर्धने की तरह कट शॉट्स भी बहुत अच्छी खेलते हैं और 2018 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में श्रीलंकन टीम तो बहुत पीछे थी, लेकिन रविंदु ने 71 की औसत से 286 रन बनाए थे और टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। और ये ही नहीं, उस टूर्नामेंट में इस नौजवान ने इंडिया और इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। इस नौजवान बल्लेबाज के पास कई तरह की यूनिक शॉट्स हैं जो इसे बेहतर बैट्समैन बनाती हैं। अगर ये इसी तरह से डोमेस्टिक में भी ऐसा ही खेलता रहा तो यकीनन आप जल्द इस टैलेंटेड खिलाड़ी को श्रीलंकन नेशनल टीम में भी खेलता हुआ देखेंगे। नंबर 3, शुभमन गिल। क्रिकेट एक्सपर्ट्स को शुभमन गिल की नज़र में इंडिया का फ्यूचर स्टार नजर आता है। कुछ का तो ये कहना है कि शुभमन गिल पृथ्वी शॉ से भी बहुत अच्छा खेलते हैं और ये उनकी परफॉर्मेंस से भी नजर आता है। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 की परफॉर्मेंस ने तो इनके क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए। शुभमन गिल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में 3 फिफ्टियां बनाई थी और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंचुरी भी बनाई थी, जिसके बाद IPL में इनको कोलकाता की टीम ने 1.8 करोड़ में खरीदा था और फिर शुभमन गिल ने IPL में भी अपनी टीम को मायूस नहीं किया। IPL में इसने 11 मैचेस में 140 के स्ट्राइक रेट के साथ 203 रन बनाए थे। शुभमन गिल की बैटिंग टेक्निक विराट कोहली से बहुत मिलती है। नंबर 2, टॉम बेंटन। इंग्लैंड के फ्यूचर स्टार टॉम बेंटन बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इस नौजवान के बारे में अच्छी बात यह है कि वो 17 साल की उम्र से क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता आ रहा है। टॉम बेंटन 2017 से डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, लेकिन उनको नोटिस 2019 में किया गया था। 2019 की विटेलिटी T20 ब्लास्ट में 161 के स्ट्राइक रेट के साथ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और टूर्नामेंट में 40 की औसत के साथ 550 रन बनाए थे, जिसके बाद तो हर तरफ टॉम बेंटन की डिमांड बहुत बढ़ गई और इनको जल्द ही इंग्लैंड की कौमी टीम में भी सिलेक्ट कर लिया गया और उसी के साथ साथ IPL, PSL, BBL और T10 लीग में भी इनको पिक कर लिया गया। टॉम बेंटन का एग्रेसिव एटीट्यूड ही उनकी पहचान है। शायकीन इनको AB डिविलियर्स और केविन पीटरसन के साथ भी कंपेयर करते हैं क्योंकि बैटिंग करते वक्त लोगों को इनकी स्वीप शॉट बहुत इम्प्रेस करती है। AB डिविलियर्स और जोस बटलर्स की तरह ये भी ग्राउंड में 360 खेलने की ताकत रखते हैं।
इस नौजवान ने दुबई में होने वाली टी20 लीग में ऐसी जबरदस्त बैटिंग की थी कि शायकीन भी हक्के बक्के रह गए थे। अब देखते हैं कि ये आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, हैदर अली। ये नौजवान बल्लेबाज अपने एग्रेसिव स्टाइल और पावर हिटिंग की वजह से बहुत फेमस हुआ है और इसका एग्रेसिव स्टाइल और नर्डर एटीट्यूड ही इस खिलाड़ी की बैटिंग स्ट्रेंथ है। हैदर अली अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से सबकी नजरों में आ गए थे और उसके बाद डोमेस्टिक और PSL में पिशार जलमी ने इस टैलेंटेड नौजवान खिलाड़ी को पिक किया। PSL में हैदर अली का स्ट्राइक रेट 161 था और उन्होंने PSL में कुछ जबरदस्त इनिंग्स भी खेली थी जिसमें 27 बालों पर 47 और लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 69 रन स्कोर किए थे। हैदर अली एक ऐसे टैलेंटेड और हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं जिसकी पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में सख्त जरूरत थी। वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बहुत जबरदस्त हिटिंग करते हैं। कुछ पाकिस्तानी सीनियर क्रिकेटर्स इनको बाबर आजम से भी कंपेयर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो PSL की तरह पाकिस्तान की टीम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।